एवरी वन, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। मेरे नए वीडियो में आप लोगों का बहुत स्वागत है। मैं कुर्ला वेस्ट आई थी शॉपिंग के लिए। बेसिकली मुझे साड़ियों के लिए शॉपिंग करना था, जो कि यहाँ पे मैंने बहुत सुना था यहाँ पे होलसेल बहुत सारा मार्केट है, लेकिन ऐसा है कि आपको रिटेल प्राइस में, प्राइस नहीं मत से एज ए रिटेल वो दे सकते हैं। मीन्स इनका मिनिमम क्राइटेरिया ये था कि आप अगर होलसेल में जा रहे हो तो मिनिमम आपको 3 साड़ी लेना ही पड़ेगा, और अगर आप जैसे 200 साड़ी ले रहे हो तो आपको कम से कम 20 या 23 साड़ी लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 500 के ऊपर साड़ी ले रहे हो तो आपको कम से कम 3 साड़ी लेना पड़ेगा। अगर एक भी 500 है तो आपको बाकी, अगर आप कम भी ले रहे हो 200-300, तो मतलब कहने का मतलब कि कम से कम अगर 500 के ऊपर आप जा रहे हो तो कम से कम 3 साड़ी आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बेसिक जो मुझे रिक्वायरमेंट थी वो थी कि मुझे महाराष्ट्रन साड़ी यहाँ पे देखना था कि जो मुंबई में लोग कैसे कैसे साड़ियाँ पहनते हैं। उसके बाद दूसरा था कि मुझे घर के लिए भी साड़ियाँ कुछ ख़रीदनी थी, तो मैं यहाँ पे आई थी। तो आपको मैं बता दूँ, ये अंकल जो थे, ये अंकल ने पहले ही बोल रखा था कि आपको मैं एक एक सैम्पल आपको हर एक साड़ियों का मैं दिखाऊँगा। अगर आपको साड़ी अच्छी लगती है तो मैं उसका कलर दिखाऊँगा, और अगर आपको वो साड़ी नहीं पसंद है तो मैं आपको फिर दूसरा, क्या बोलता हूँ कि मैं होगा फिर मैं दूसरा, आप जैसा हिसाब से आप मांगोगे वैसा। तो मैंने पहले ही बोला था कि मुझे जो साड़ी चाहिए आप स्टार्ट करो 200 के रुपए से। 200 रुपए मीन्स इन्होंने क्या किया था कि 200 के रुपए से मुझे सारे सैंपल देना शुरू किए थे। जितना छोटा छोटा जो सैंपल होता है वो देना शुरू किए थे कि हाँ चलिए कि एज ए सैंपल ये साड़ी है ये, तो ये से 200-300। तो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा था, और मुझे देखना भी था कि कैसे कैसे साड़ियाँ। तो ये अंकल ने फिर 500 के ऊपर, मैं बोला कि आप 500-1000 तक की आप साड़ियाँ दिखाओ और आप ऊपर बढ़ो। तो इन्होंने 500-650 की साड़ियाँ मुझे दिखाई थी। ये जो आप देख रहे हो ये 650 की साड़ियाँ हैं। ये सारी जो साड़ियाँ हैं ये 650 की हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। तो अगर आप चाहो कि अगर आपको इसमें से कुछ पसंद है तो आप उसका कलर निकलवा सकते हो कि हाँ मुझे इस कलर में चाहिए, इस कलर में चाहिए, या फिर आप बोलो कि मुझे डिज़ाइन दूसरा लेना है तो वो पैटर्न भी दूसरा दिखाएंगे। मतलब एज ए रिक्वायरमेंट आपको जैसे साड़ियाँ लेना है वैसा। तो ये मुझे ये ब्लू कलर थोड़ा अच्छा लग रहा था, देखने में बड़ा शाइनिंग शाइनिंग है। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये शादियों वगैरह के लिए जो साड़ियाँ होती है वो बहुत अच्छी है। यहाँ का मार्केट का मुझे सबसे खास बात ये लगा कि यहाँ पे जो है बहुत सस्ती मार्केट है। चाहे आप कॉस्मेटिक लो या फिर साड़ी खरीदो या फिर आप नॉर्मल जो वेयर खरीदना है वो खरीदो। और मैं आपको बता दूँ, ये जो साड़ी आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो सारी 630 की है, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपको लगेगा नहीं कि ये जो साड़ी है ये 650 की है, इतना मतलब आपको वैसा ऑथेंटिक लुक आएगा। और जिनकी शादी होने वाली है, जो शादी करने वाले हैं, या जब रिलेटिव वगैरह, जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कि होता है कि देना होता है साड़ी फिर वापस में, और बहुत लोगों को होता है कि साड़ी अगर सही से ख़रीदनी नहीं आए तो लोग सस्ती भी साड़ी खरीद लेते हैं लेकिन उतनी अच्छी नहीं। तो क्या है कि यहाँ पे आप आके आप आराम से यहाँ पे साड़ी खरीद सकते हो। मैं आपको बता दूँ, ये जितनी भी साड़ी आप देख रहे हो 650 की, उन्होंने, मैंने उनको बोला था कि भैया आप जितना होगा 650 से 650 निकालते जाओ। ये सारी साड़ियाँ जो है 650 की, ये जो अब येलो से, येलो के बाद जो निकाल रहे हैं ये जो साड़ी है, मैंने बोला कि थोड़ा आगे बढ़ो क्योंकि मुझे थोड़े प्राइस में देखना है। ये जो आप येलो कलर की साड़ी देख रहे हैं ये 950 की साड़ी है। मतलब मैंने जितनी भी साड़ी देखी थी वो 1000 रुपये के नीचे ही देखी थी, जो मुझे लेनी थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा महंगी नहीं लेनी थी, क्योंकि मुझे 3 साड़ियाँ लेनी थी। और मुझे मतलब ये ऐसा था कि मैं 3 साड़ियाँ जो हूँ वो 2000 के अंदर ही अपना बजट कर लूँ, क्योंकि मेरे पास उतना बजट नहीं था कि मैं 5000 या 6000 की साड़ियाँ ले सकूँ। तो मैंने इनको जो 950 वाली साड़ियाँ इन्होंने दिखाई मुझे, मैंने उनको उसका जो है पैटर्न देखने को बोला कि आप डिफरेंट डिफरेंट है आप मुझे दिखाओ। फिर ये दिखाने के बाद मुझे लगा कि प्राइस भी ज़्यादा, इतना प्राइस में मेरे को जाना नहीं है। तो मैंने इन्हें बोला कि आप जो 650 की जो साड़ियाँ दिखाए हो उसमें मुझे ढेर सारी कलर दिखाओ। तो ये इन्होंने बहुत सारे कलर जो है मुझे दिखाना शुरू किया, जो आप देख सकते हो कलर जो है, एक एक साड़ी के इन्होंने 12-15 कलर हैं। तो ये, और यहाँ पे एक चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। और जब मैं, हम लोग गए थे ना, तो मैंने उनको बोला था कि आप साड़ी खोल के दिखाओ, तो वो मुझे बोल रहे थे कि यहाँ पर हम
नॉर्मल शॉपकीपर नहीं है जो हम आपको खोल खोल के साड़ियाँ दिखाएंगे। अगर आपको पसंद आ रही है साड़ी, ऊपर से देख लो, आप सैंपल देख लो, उसके हिसाब से आप साड़ियाँ क्या करो, ख़रीद लो, क्योंकि हम आपको सैंपल वगैरह दिखाने वाले नहीं हैं। तो उन्होंने ऐसा क्राइटेरिया रखा था, आप निकालो ने, फिर भी मैं निकाल निकाल के देख रही थी, क्योंकि मुझे कपड़ा चेक करना था कैसा था नहीं था, और मुझे ये भी था कि शाइनिंग वगैरह है पर्टिकुलर कि नहीं साड़ी में, क्योंकि अगर आप पहनते हो तो वो साड़ी का वो दिखना चाहिए कि हाँ भाई आपने साड़ी पहन रखी है, वो थोड़ी सी शाइनिंग आनी चाहिए। अगर आप वेडिंग के लिए ले रहे हो या नॉर्मल छोटे छोटे फंक्शन के लिए, तो शाइनिंग आनी चाहिए, बिना शाइनिंग की साड़ी अच्छी नहीं लगती है। या तो फिर सिंपल पहनो एकदम कॉटन की साड़ी, या फिर अगर पहनो तो थोड़ी शाइनिंग वाली साड़ी पहनो जो अच्छा लगेगा। फिर आने के बाद मैंने उन्हें बोला कि आप कलर दिखाते जाओ, तो ये जो साड़ी आप देख रहे हैं, ये इन्होंने जो है साड़ी, ये 550 की साड़ी थी, 550 और 450 रुपये, ये जो आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, ये सारी जो है 450 की साड़ी थी उन्होंने बोला। तो मैंने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया अपने आप को, मैंने कहा कि आप एक काम करो, जो जो है एक एक सैंपल मुझे दिखाते जाओ, मुझे अगर ठीक लगेगा तो मैं आपको बताऊँगी। तो इन्होंने जो है, ये भैया ने आराम से मुझे 450 की साड़ी में बहुत सारे कलर देने के बाद, मैंने बोला कि मुझे ऐसी साड़ी चाहिए जो मतलब होता है ना कि यहाँ पे ऑथेंटिक मुझे, और बेसिकली मुझे देखनी थी साड़ी कि यहाँ पे क्या है नहीं है, कितने की साड़ी है। तो मैं ना थोड़ा प्राइस में जाके मैं सोची कि यहाँ पे लोग कैसे कैसे पहनते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, ये जो साड़ी है ये महाराष्ट्रन साड़ी है, ये जो नीचे वाला भी देखा वो वही साड़ी है, तो इसको एक पर्टिकुलर नाम बोलते हैं जो मुझे उतना पता नहीं। ये जो साड़ी है ये बनारसी साड़ी के, ये बनारसी पल्लू के टाइप में आएगी। तो ये जितनी भी साड़ियाँ आप देख रहे हो ये 1000 के ऊपर है, मतलब 1300, 1600, 1500 इतना ही है। ये जो साड़ी मुझे देखनी थी, ये जो है इसमें जो है ना, ये डबल पैटर्न है, थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, मूव करोगे साड़ी को तो उसका कलर चेंज होगा, वैसी साड़ी थी। तो ये साड़ी जो साड़ी मुझे आप देख रही हो 1650 की साड़ी है। तो और ये जो साड़ी आप मेरे हाथ में देख रहे हो, ये जो साड़ी है ये नॉर्मल महाराष्ट्र में 12 फीट की साड़ी, 12 फीट की नहीं होती, मतलब ये जो 12 सेंटीमीटर जो होता है वो साड़ी के जो इंचेज़ होते हैं वैसी है। तो ये जैसे 6 मीटर हुआ साड़ी, ये 12 मीटर की साड़ी है, जो बेसिकली यहाँ के महाराष्ट्रन लोग जो ऑथेंटिक इनका जो होता है फंक्शन उसमें ये लोग पहनते हैं। तो वो जो साड़ी थी, तो वो मुझे 1000 या 1300 रुपये के वो साड़ी मुझे पड़ रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना उठ के देखा कि यहाँ पे और कौन कौन से साड़ियाँ यहाँ पे मैं क्या क्या ले सकती हूँ। तो बहुत सारी साड़ियाँ जो है आप देख सकते हो बहुत ही चीप प्राइस में स्टार्ट हुई थी यहाँ इनकी साड़ी जो है। तो बहुत ऐसी ऐसी साड़ी हैं जो कि यहाँ पे लोग ना, जैसे बहुत जिनका जॉइंट फैमिली है या फिर शादी का टाइम है या फिर किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लोग ना बहुत अच्छी अच्छी जो है साड़ियाँ है, क्वालिटी है। तो मुझे थोड़ा सा ना बहुत सही लगा कि यहाँ पे देखो, तो मुझे इसमें से ना थोड़ी कॉटन वाली एक साड़ी पसंद आई। ये जो कॉटन वाली जो साड़ी है वो 180 का, बहुत सारे आपको पता होगा कि अभी हमारा जो फेस्टिवल चलता है कुछ किसी किसी चीज़ में, तो माएँ जो होती है, जो हमारे घर की लेडीज़ जो होती है, वो बेसिकली कॉटन साड़ी कुछ कुछ फंक्शन में प्रेफर करती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पूजा में होता है जो आपको कॉटन साड़ी पहन के वो पंडित जी बोलते हैं बैठने को, तो मैंने उसका भी ट्राई किया। तो ये सिर्फ 180 की साड़ी थी, उन्होंने कहा ये थोड़ी सी पतली साड़ी से देखने में, अगर पानी एक बार धोने के बाद ये जो साड़ी का जो है वो जो क्वालिटी होता है वो थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा। तो ये जो साड़ी है, तो मुझे ये थोड़ा अच्छा लगा। तो उसमें से भी मैंने एक देखा था, मुझे कलर वगैरह भी इन्होंने, मैंने उनको बोला था कि आप कलर वगैरह जो है बहुत दिखाओ ताकि समझ में आए। मैं देख रही थी हाथ डाल के कि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है साड़ी या फिर नहीं, मतलब क्योंकि थोड़ा सा ये होता है ना कि अगर ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा तो मतलब वो जचता नहीं है पहनने को, वो मम्मी लोग पहनेंगे नहीं। फिर उसके बाद मैंने इनको बोला कि आप एक काम करो, जो बनारसी साड़ी होता है जो शादियों के लिए स्पेशली लोग चढ़ाते हैं, मैं बिहार से हूँ बेसिकली, तो वहाँ पे जो है लोग अगर शादी हुई तो कम से कम एक बनारसी साड़ी तो आपको देंगे ही देंगे, वो एक चाहे आपको किसी भी चीज़ में पड़े या फिर किसी में, जैसे होता है बहुत सारे विधि विधान में होता है, बहुत सारा फंक्शन होता है, उसमें एक साड़ी तो आपको बनारसी चढ़ेगा ही, वहाँ का एक रिवाज ही है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो साड़ी है वो 3500 की साड़ी है, 3500 की जो साड़ी है। उसके बाद यहाँ पे जो साड़ी है, एक 2200 की भी थी साड़ी, 2250 की भी थी,
तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो पर्पल कलर की ये 2250 की, ये जो रेड कलर की साड़ी है ये 3500 की साड़ी है, ठीक है। ये सब देखने के बाद नीचे भी है काम किया, वो 1600 की साड़ी है जो नीचे रखा हुआ है, ये 1600 की साड़ी है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत डिफरेंट थी। तो मैंने एक और चीज़ देखा, तो ये बांधनी साड़ी और हमारे तरफ जो होते हैं चुन्नी साड़ी जैसे लोग बोलते हैं, थोड़ा सा चुन्नी प्रिंट रहता है, तो वो भी साड़ी इनसे मैंने मांगा था, वो उन्होंने डब्बा में पैक करके इन्होंने दिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ है, खुला हुआ है ये साड़ी। उसके बाद हम लोग ने शॉपिंग ख़त्म करने के बाद हम लोग गए आराम से, यहाँ से निकले आराम से, खाया पिया, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो हमने खाया पिया, एंजॉय किया और हम मार्केट से आए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों को हॉल दिखाऊंगी मैंने क्या ख़रीदा। थैंक यू सो मच इस वीडियो में बने रखने के, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।